तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ को, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आई हुई है। और वो ये है कि रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे, जबकि उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर पहुँच गया है। और ये सब जो न्यूज़ आई है, ये हिंदुस्तान पेपर की कटिंग के थ्रू हमें मिली है। तो केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर निबंधन से ये सारी खुलासा हुई है। तो आइए उस पूरे मामले को जानते हैं। आप देखिए, जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन से खुलासा हुआ है, पठन पाठन के क्षेत्र में बिहार में 5 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्तर पर, तीसरे पायदान पर कौन है? बिहार। शिक्षा क्षेत्र रोजगार देने के मामले में बिहार तीसरे पायदान पर है। पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे बिहार। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो देखिए, बिहार के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब रोजगार मिल रहा है। पठन पाठन के क्षेत्र में बिहार में 5 लाख गैर सरकारी से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इनका काम कोचिंग, स्कूल कोचिंग में अध्यापन के अलावा लोगों के घर में ट्यूशन पढ़ाना है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और जिसमें दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तो तीसरे पायदान पर बिहार है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों का निबंधन ई श्रम पोर्टल पर हुआ है। अब तक शिक्षा के क्षेत्र में हुए निबंधन में यह सब खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट क्या कहती है देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में रोजी रोजगार करने वालों में पुरुषों का दबदबा है। 53.22% यानी कि 2,77,461 पुरुष इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी 46.78% यानी कि 2,43,865 है। दिलचस्प यह है कि इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी की भागीदारी अधिक है। जो युवा हैं वो ज़्यादा भागीदार हैं, और इसमें देखिए 91.18% लोग 18 से 40 वर्ष के हैं। मतलब 90 से ज़्यादा अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो 18 से 40 यानी कि बिल्कुल युवा लोग ही हैं, और 40 से 50 वर्ष के बीच मात्र 4.71 यानी कि लगभग 5% हैं, और 50 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की संख्या 2.96% है। वहीं 16 से 18 वर्ष के बीच अध्यापन करने वालों की जो संख्या है वो मात्र 1.15% है। यानी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र जिसमें लोग हैं वो हैं 91.18%, जो कि युवा है। पोर्टल पर 2,43,507 लोगों ने खुद से ही निबंधन कराया है, जबकि सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से 2,77,754 लोगों ने निबंधन कराया है। उमंग ऐप से 44 लोगों ने निबंधन कराया है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा है 18 से 40 वर्ष के युवाओं की संख्या, जो कि 91.18% है, और 5.5 लाख सरकारी शिक्षक जो है ये बिहार सरकार ने दिया है। हाल के वर्षों में राज्य में सरकारी शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। वृहद स्तर पर हुई बहाली के कारण राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में हो गई है। राज्य में शिक्षकों की संख्या अब बढ़कर 5 लाख से अधिक हो गई है। अभी शिक्षकों की बहाली होनी है, अभी और शिक्षकों की बहाली होनी है। प्रक्रिया दल, आपको पता है बिहार TRE-4 भी आने वाला है। राज्य में 87,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली होने की उम्मीद है, यानी TRE-4 में आपको 87,000 पद देखने को मिल सकता है। देश भर में रोजगार देने के मामले में टॉप राज्य, राज्य में देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है 50,77,007, पश्चिम बंगाल 18,16,239, बिहार में 5,21,326, मध्य प्रदेश में 2,23,356, और केरला में 1,75,994। तो यहाँ पर आपने देखा, सबसे ज़्यादा जो रोज़गार दिया है वो उत्तर प्रदेश है, जो 50 लाख से अधिक रोज़गार दिया है। बिहार में 12,000 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं, ये इस खुलासे से निकल के सामने आई है, जबकि इससे भी अधिक हैं। बीते वर्ष शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कोचिंग संस्थानों का ब्यौरा मांगा था, ताकि यह जानकारी मिल सके कि राज्य में कितने ऐसे संस्थान चल रहे हैं। जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 12,000 कोचिंग संस्थान संचालित है। इन संस्थानों में 10 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि शिक्षा विशेषज्ञों की माने तो राज्य में इससे भी कहीं अधिक कोचिंग संस्थान है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा
कि शिक्षा के क्षेत्र में जो ई श्रम पोर्टल है केंद्र सरकार का, उससे जो खुलासा निकल के आई है वो ये बताती है कि सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर रोजगार की बात देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रोजगार मिला है उत्तर प्रदेश में, जो कि 50 लाख से भी अधिक है, और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे बिहार है, और चौथे पे मध्य प्रदेश, और पाँचवें नंबर पे केरला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।